हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका अपने ही चैनल मिस्टर स्टडी में जहाँ पर आपको जीके करेंट के जी करंट अफेयर्स के नॉलेज से अवगत कराया जाता है और आपको भी पता है कि जीके के जी और करंट अफेयर्स का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही बड़ा योगदान है तो आज के वीडियो में भारत के पच्चीस उच्च न्यायालय के बदलाव के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसका आंसर होगा राजेश बिंदल ठीक है और न्याय क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल मुख्य पीठ इसका है कोलकाता और स्थापना जिसकी हुई थी अठारह में तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका दीपंकर दत्ता न्याय क्षेत्र है गोवा दादर और नगर हवेली दमन और दीव और महाराष्ट्र मुख्य पीठ इसका है मुंबई स्थापना जिसकी हुई थी अठारह में अगला क्वेश्चन है दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका संजीव बनर्जी न्याय क्षेत्र है पुणुचेरी तमिलनाडु मुख्य पीठ चेन्नई और स्थापना जिसकी हुई थी अठारह में अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका संजय यादव न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश मुख्य पीठ इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है स्थापना जिसकी हुई थी अठारह में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो गए इसका अभय श्रीनिवास ओका न्याय क्षेत्र कर्नाटक मुख्य पीठ बेंगलुरु और स्थापना जिसकी हुई थी अठारह में अगला क्वेश्चन है दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो गया इसका संजय करोल न्याय क्षेत्र बिहार मुख्य पीठ पटना और स्थापना जिसकी हुई थी 1916 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है और आंसर होगा इसका सुधांश सुधुलिया न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश असम मिजोरम और नागालैंड जिसका मुख्य पीठ है गुवाहाटी और स्थापना जिसकी हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो इसका एस एस मुरलीधर न्याय क्षेत्र उड़ीसा मुख्य पीठ कटक और स्थापना हुई थी 1948 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका इंद्रजीत महंती और न्याय क्षेत्र राजस्थान मुख्य पीठ जोधपुर और जिसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका पंकज मित्तल न्याय क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख मुख्य पीठ है श्रीनगर स्थापना जिसकी हुई थी उन्नीस में तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इसका आंसर होगा मोहम्मद रकीफ न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर स्थापना जिसकी हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा जिसका एस कुमार न्याय क्षेत्र केरल लक्षदीप मुख्य पीठ कोच्ची और जिसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका विक्रमनाथ न्याय क्षेत्र गुजरात मुख्य पीठ अहमदाबाद स्थापना जिसकी हुई थी उन्नीस में तो दोस्तों अगला क्वेश्चन तो है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा जिसका धीरूभाई नारायण भाई, भाई पटेल न्याय क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मुख्य पीठ नई दिल्ली और जिसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो गया इसका एल नारायण स्वामी न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश मुख्य पीठ शिमला जिसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो गया इसका जितेंद्र कुमार महेश्वरी न्याय क्षेत्र सिक्किम मुख्य पीठ गंगटोक और स्थापना जिसकी हुई थी उन्नीस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर हो गया इसका पी आर रामचंद्र मेनन न्याय क्षेत्र छत्तीसगढ़ मुख्य पीठ बिलासपुर स्थापना जिसकी हुई थी सन 2000 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका राघवेंद्र सिंह चौहान न्याय क्षेत्र उत्तराखंड मुख्य पीठ नैनीताल जिसकी स्थापना हुई थी सन दो में अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसका आंसर होगा रवि रंजन न्याय क्षेत्र झारखंड मुख्य पीठ रांची और जिसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका विश्वनाथ सोमंद्र न्याय क्षेत्र मेघालय मुख्य पीठ शिलोंग जिसका स्थापना हुई थी सन दो में अगला क्वेश्चन है दोस्तों मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसका आंसर होगा पीवी संजय कुमार न्याय क्षेत्र मणिपुर मुख्य पीठ इम्फाल और जिसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है आंसर होगा इसका अकील अब्दुल हामिद कुरैशी न्याय क्षेत्र त्रिपुरा मुख्य पीठ अगरतला स्थापना जिसकी हुई थी सन दो में अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इसका आंसर होगा कुमारी हिमा कोहली न्याय क्षेत्र तेलंगाना मुख्य पीठ हैदराबाद और जिसकी स्थापना हुई थी सन 2019 में अगला क्वेश्चन है दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसका आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश मुख्य पीठ अमरावती स्थापना जिसको थी सन दो में दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और पहला है भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है भारत में अठारह में पहली बार तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं जिनके नाम है दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का चौबीसवा उच्च न्यायालय है, हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया अगला क्वेश्चन है दोस्त दो भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय के अड़तालीसवें मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसका आंसर होगा दोस्तों एन रमना जो आपको याद रखने होंगे तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो दोस्तों मिस्टर स्टडी की तरफ से आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत बंदे मातरम